नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की, जिसमें उन्होंने मदर टेरेसा के बारे में कहा था कि उनकी सेवा का मकसद धर्मांतरण था। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। हम इसी मुद्दे पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। जयदीप जी, चूंकि अब मदर टेरेसा इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में उनके बारे में इस तरह की बातें कहना कहाँ तक उचित है? देखिए जला जी, मुझे लगता है कि इस मामले में मदर टेरेसा के इस दुनिया में होने या न होने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये बहस कोई नई नहीं है। जब मदर टेरेसा के कार्य यहाँ पर मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ के माध्यम से चल रहा था, तब भी उनके ऊपर ये सवाल उठाए गए थे। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं उठे हैं। कई बार धर्म का जब मामला होता है तो हम लोग बहुत भावुक होकर अपने अवचेतन मन में जो मान्यताएं गढ़ी गई हैं उसके आधार पर बात करते हैं, बजाय कि तर्कों को समझने या तथ्यों की गहराई में जाने के। मोहन भागवत जी ने ठीक ठीक ऐसा क्यों कहा, ये तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ ये ज़रूर है कि वो एक ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी अस्मिता की रक्षा का उद्देश्य खुद बताता है और उसमें लगा हुआ है, और इसलिए शायद उन्होंने ये बताना ज़रूरी समझा होगा कि जिसको हम सेवा की प्रतिमूर्ति समझते हैं वो सेवा की प्रतिमूर्ति नहीं, दरअसल उनका उद्देश्य ये था। और एक तथ्य यह है कि जब खुद मदर टेरेसा यहाँ आई थी तो उनको भेजा भी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ही गया था। उनका पहला जो शुरुआती उद्देश्य था वो यही था, लेकिन ये बात दिगर है कि बाद में उन्होंने यहाँ पर जिस तरह के अभाव देखे और जो उनको एक छोटा स्कूल और ईसाई संस्था चलाने के लिए दी गई थी, उन्होंने उनकी दीवारों से परे जाकर सेवा करने की ठानी। और ये उन्होंने कहा है और लिखा है कि उनको लगा कि बहुत सीमित उद्देश्य है अपने धर्म का प्रसार करना, लेकिन जिस तरह की गुर्बत यहाँ पर है, जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह का अभाव है, बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते, तो क्यों ना पहले इन बच्चों को स्कूल भेजा जाए और इसके साथ ही साथ जो धर्म का काम उनको सौंप कर भेजा गया है ईसाई मिशन द्वारा उसको भी वो पूरा करें। ये उन्होंने खुद भी स्वीकारा है। लेकिन जब भागवत जी ये कहते हैं कि उनका उद्देश्य तो सेवा करना नहीं था और केवल धर्म का प्रचार करना था, तब निश्चित ही बहस खड़ी हो जाती है। ये बात मानी जा सकती है कि जब उन्होंने सेवा की है तो वो उनका जो ईसाई धर्म का प्रचार करने का मकसद था शुरुआत से, वो भी उनके जहन में कहीं ना कहीं था। और ईसाई धर्म का प्रचार हो या अन्य कुछ भी ऐसे धर्म है जिनमें इस तरह के प्रसार के माध्यम से अपने धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, उनमें उन्होंने इस तरीके से खुल के स्वीकार भी किया है। मुझे ये लगता है कि इस पूरी बहस को हमें फिर से वहाँ ले जाना चाहिए जहाँ पर हम धर्म को इस तरह की अस्मिता से, इस तरह की पहचान से जोड़ते हैं, या ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा देने भर से वो उस धर्म का अनुयायी हो गया, उस धर्म की मान्यताओं को, आस्थाओं को मानने लग गया। हम देखें कि कहीं ना कहीं गरीबी जो है, अभाव जो है, रोटी जो है, वो सबसे बड़ा धर्म है। जिसके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की सेवाएँ नहीं हैं, रोटी का अभाव है, उस व्यक्ति को जाकर जिसने रोटी दी और उसने उसके धर्म को अपना लिया, तो ये क्या निश्चित तौर पर वैसा धर्मांतरण है जहाँ पर उसकी फिलॉसफी से, उसके पूरे फलसफे से, उस धर्म की मान्यताओं से आप गहराई से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं? मुझे लगता है बहस का विषय ये होना चाहिए। मदर टेरेसा को लेकर इस देश में इतनी ज़्यादा बहस इसलिए भी हुई है कि मदर टेरेसा को बचपन में किताबों में हमें सेवा की प्रतिमूर्ति के रूप में पढ़ाया गया है, और जो चीज़ बचपन से हमें किताब में पढ़ाई जाती है हम उसे ब्रह्म वाक्य मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो ये किताब में हमने पढ़ा है वही अंतिम सत्य है, इसके परे कोई और सत्य नहीं है। और जब उस सत्य को चुनौती दी जाती है तो निश्चित तौर पर इस तरह की बहस का खड़ा होना स्वाभाविक है। मुझे लेकिन यह लगता है कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को लेकर जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं उसकी आवाजें बहुत बार हिंदू धर्म के भीतर से ही आई हैं। इसी तरह यदि हम ईसाई धर्म की बात करें, खुद मदर टेरेसा को भी संत मानने से इसलिए इनकार कर दिया गया था कि उनके चमत्कार जो है वो साबित नहीं हो पाए थे। तो यदि कोई ऐसा धर्म है दुनिया में जो पश्चिम से आता है, जहाँ पर विकसित देश हैं और वो विकसित देश हैं इसलिए वहाँ का धर्म भी विकसित होगा, ये मान्यता कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जड़ कर गई है, वहाँ पर भी यदि एक धर्म इस आधार पर चलता है कि संत केवल उस व्यक्ति को माना जाएगा जो चमत्कार दिखाएगा, तो फिर जब आप हिंदुस्तान की छवि टोने टोटके चमत्कार बाबाओं के देश वाली बनाते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी हमें दोनों तरह के धर्म, दोनों तरह की मान्यताओं में एक तरह की टकराहट दिखाई देती है। मुझे लगता है कि जब तक हम इस सबसे परे जाकर इंसानी धर्म की बात नहीं करेंगे हम इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। भागवत जी ने किस आधार पर यह कहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसने जिस बहस को जन्म दिया है उसे मुकाम तक पहुंचाना जरूरी है। मदर टेरेसा को तो ओशो ने भी पाखंडी कहा था, फिर इस मुद्दे पर इतना बवाल क्यों? देखिए जहाँ तक आचार्य रजनीश ओशो की बात है तो उन्होंने तो लगभग हर धर्म पर, हर धर्म की कुरीतियों पर, खुद अपने आप पर भी बहुत कड़ाई से प्रहार किए हैं, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर तरह के प्रमाणित जो स्थापित तथ्य हैं समाज के उसको चुनौती देने के लिए तैयार खड़े थे। इसमें जो भी लपेटे में आया उसको उन्होंने शामिल किया, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे, तो इसीलिए उसमें यदि उन्होंने मदर टेरेसा के भी कार्यों पर प्रहार किया है तो उसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की चुनौतियों के बीच से
अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों को निकाल कर हमें सचमुच ये सोचना चाहिए कि यदि हिंदू धर्म के कुछ लोगों का परिवर्तन इस आधार पर किया भी गया है तो जिस गांव में स्कूल नहीं था उस गांव में उस धर्म के समर्थक माने जाने वाले या हामी भरने वाले लोगों ने स्वयं जाकर उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश क्यों नहीं की। और जो गरीब व्यक्ति है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिसको दरअसल धर्म को समझने की भी फुर्सत नहीं है, अपने मंदिर में दिया जलाने की फुर्सत नहीं है, उसके पास तो ये संकट है कि कल वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा। उस व्यक्ति के पास जब कोई सेवा के बहाने या किसी अन्य बहाने से भी अपने धर्म की पताका लेकर पहुंचता है तो निश्चित है वो आकर्षित होता है। हमें ये सोचना होगा कि हम धर्म को सही अर्थों में यदि मानव सेवा बनाना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, क्या हमने उसको सही अर्थों में अपनाया है? और यदि अपनाया है तो फिर किसी व्यक्ति को उसके बावजूद ये लगता है कि कोई इतर धर्म और उसकी मान्यताएं उससे बेहतर है तो उसको उसे अपनाने का हक होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक चीज़ और कही जाती है कि इसमें कि अगर आदमी कोई धर्म बदलता है तो वो एक समय बाद वो अपनों के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। देखिए, अपनों मतलब कौन कौन अपने, और ये अपनों के खिलाफ खड़े होने वाली जो बात है तो महाभारत ने हमें सिखाई है। अगर आपको सत्य का साथ देना है तो कई बार अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। सत्य क्या है दरअसल? तो अगर सत्य है और उसके उसके पक्ष में आप हैं तो फिर अपने पराये का भेद खत्म हो जाता है। और इसीलिए यदि अर्जुन की इस दुविधा को गीता ने बहुत अच्छे से शांत किया है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने उसका हल हमें बताया है, तो मुझे लगता है उससे बड़ी मान्यता तो और कहीं है ही नहीं। अपनों के खिलाफ मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ईसाई बन गया और वो खुद हिंदू धर्म के खिलाफ हो गया तो मुझे लगता है कि पहले ये सोचना होगा कि हमारे ऐसे कौन से कार्य थे जिसको हम आप अपना कह रहे हैं, उन अपने लोगों के ऐसे कौन से कार्य थे, उस धर्म के अनुयायियों के ऐसे कौन से कार्य थे जिसको लेकर वो इतना विचलित हुआ और उसके खिलाफ संघर्ष करने को तैयार हो गया। नहीं, अपनों से मतलब यहाँ ये कि जिस समाज से वो आता है उन्हीं समाज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। नहीं, किस समाज से वो आता है? किसी भी समाज से आता हो। आप अगर धर्म के संदर्भ में कहें कि यदि कोई ईसाई व्यक्ति है और वो ईसाई व्यक्ति ने अपना धर्म बदलकर हिंदू अपना लिया और उसके बाद वो कई बार ईसाई धर्म की मान्यताओं पर प्रहार कर रहा है तो मुझे लगता है कि अगर वो जिन बातों पर प्रहार कर रहा है, असल मुद्दा वो है, यदि जैसे अगर हमारे समाज में नरेंद्र दाभोलकर जैसे व्यक्ति द्वारा कहे गए सच को मानने की साहस नहीं है और हम उसको गोली मारकर खत्म कर देना चाहते हैं तो इससे तो हमारा 18वीं सदी का समाज ज्यादा बेहतर था, जहां राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों को हमने अपनाया जिन्होंने कि हमारे धर्म में व्याप्त बुराइयों पर गहरे प्रहार किए, कड़े प्रहार किए। आज का तो समाज इतना असहिष्णु हो रहा है कि वो किसी भी तरह के तर्क को सुनने को तैयार नहीं है। वो तर्क सही है या गलत, ये तो बात की बात है। मुझे लगता है कि अगर मोहन भागवत जी ने कुछ कहा है तो उस पर यदि ईसाई धर्म के लोग विचलित हुए हैं या उन्हें बुरा भी लगा है, या जो लोग मदर टेरेसा को हमेशा एक संत और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति के रूप में देखते आए हैं, तो ये समझा जा सकता है कि उन्हें बुरा लगा है। जयदीप जी, अहम सवाल ये है कि क्या आरोप प्रत्यारोपों से मदर टेरेसा के अच्छे कार्य धुल जाएंगे? ये अहम सवाल है। मुझे नहीं लगता कि जो मानव सेवा उन्होंने सचमुच की है, जिन लोगों का जीवन बदलने की कोशिश की है, जिन बच्चों को उनके द्वारा स्थापित स्कूलों में और अन्य संस्थाओं में दाखिला मिलकर उनका जीवन बेहतर हुआ है, निश्चित तौर पर वो बेहतर मनुष्य बने हैं। और किस धर्म के माध्यम से बने हैं ये बहुत अहम सवाल इसलिए नहीं रह जाना चाहिए क्योंकि हमने समाज सभी के लिए बनाया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि उन्होंने जो सेवा की वो पूरी तरह से सेवा का उद्देश्य नहीं था, उसमें धर्म परिवर्तन भी एक बड़ा उद्देश्य था, तो इस पर बहस हो सकती है। और जितने भी दूसरे साधु संत हैं, दूसरे समाज के भी, हिंदू समाज के भी साधु संत हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी उंगलियां उठी हैं, उनके कर्मों पर भी उंगलियां उठी हैं। आप ये भी देखिए कि उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले काम पिछले एक दशक के समय में कम सामने आए हैं हिंदू संतों के माध्यम से, और ऐसे काम जिससे कि हिंदू धर्म का अनुयायी थोड़ा शर्मसार हो उस पाखंड की वजह से, ऐसा ज़्यादा हुआ है। तो मुझे लगता है कि धर्म की एक पूरे नए सिरे से व्याख्या और मीमांसा बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी ने मानव सेवा इस उद्देश्य से की है कि उसके धर्म के अनुयायी बढ़ जाएं और केवल यही उद्देश्य है, तो मुझे लगता है कि यदि उसका ईश्वर है तो वो भी इसकी गवाही कभी न कभी जरूर देगा। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।